कभी सोचा है एक धूल यानी मिट्टी हमें इस गर्मी से बचा सकती है। हाँ गाइस, आपने अभी तपती गर्मी को तो झेला ही होगा, लेकिन कभी सोचा है हम हमारे आकाश में धूल बिखेर कर गर्मी कम कर सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहा हूँ, तो समझने के लिए वीडियो को पूरी जरूर देखें। आकाश में धूल बिखेर कर गर्मी रोकने की टेक्निक। जी हाँ गाइस, यह योजना किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन अगले 10 सालों में यह हकीकत बन सकती है। इस योजना के तहत हर दिन 800 से अधिक बड़े हवाई जहाज लाखों टन चौक मिट्टी को पृथ्वी से 19 किलोमीटर ऊपर ले जाकर एटमॉस्फेयर में छिड़क देंगे। और गाइस, इस धूल की वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक धूल का आवरण बन जाएगा और बड़ी मात्रा में सूर्य की किरणें और गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जाएंगी, और ये प्रयोग पृथ्वी को गर्म होने में काफ़ी हद तक बचा सकता है। वैसे गाइस, ये किसी गार्डन शेड बनाने वाले की योजना नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और इस योजना के प्रारंभिक परीक्षण पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत न्यू मैक्सिको रेगिस्तान के 19 किलोमीटर ऊपर ले जाकर एक साइंटिफिक बैलून करीब 2 किलो चूना बिखेरेगा, और इससे होगा ये कि आकाश में ट्यूब के आकार का करीब 0.25 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर व्यास का क्षेत्र बन जाएगा। तो अब समझो गाइस, इस गुब्बारे पर लगे सेंसर से इसके बाद इस धूल की वजह से सूर्य की किरणों के परावर्तित होने की दर और इसके आसपास की हवा का प्रभाव का विश्लेषण करेगा। यानी हम सीधी भाषा में कहें तो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पड़ेंगी। हालांकि ये प्रयोग अभी इस डर से रोका हुआ है कि कहीं इसकी वजह से गंभीर चेन रिएक्शन ना शुरू हो जाए और इससे गंभीर सूखे और तूफान की हालत ना बन जाए। और देखो गाइस, इससे एक डर यह भी है कि कहीं एटमॉस्फेयर में धूल झिड़कने से ओजन परत को नुकसान तो नहीं होगा। हार्वर्ड की टीम के एक निर्देशक लिजी बॉन स्वीकार करते हैं कि उनका आइडिया ये डरावना है, लेकिन इतना ही डरावना वातावरण में हो रहा परिवर्तन भी है। और हाँ, हम भी जानते हैं कि गर्मियाँ कितनी बढ़ती जा रही है और इसके चलते हमें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है, इसीलिए इससे संभावित खतरों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों का एक पैनल बनाया गया है। लेकिन गाइस देखो, सवाल ये भी है कि इस योजना का आइडिया आया कहाँ से, तो चलो जानते हैं। असल में इसकी प्रेरणा 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी में विस्फोट से मिली थी। हालांकि इस विस्फोट की वजह से 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 2 लाख लोग बेघर हो गए थे, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को एटमॉस्फेयर में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने का मौका दे दिया था। और गाइस, आप मानोगे नहीं, उस समय इससे फैली धूल की वजह से दुनिया का तापमान 6 महीने तक आधा डिग्री घट गया था। तो क्या ये सही चुनाव है? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताना गाइस।